दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो 69th PPSC फॉर्म फिलिंग के बारे में है, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें जो है आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको मैंने हटा दिया है। तो वो आवाज़ ठीक करके मैं ये दोबारा इसको डाल रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो है किस तरह से जो है से फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, जो कि 69th PPSC का जो फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है नए तौर पे ऐड किया गया है और मांगा गया है। तो सारा डिटेल्ड हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है फॉर्म भरना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, और जो है से कोई भी गलती ना हो, ताकि जो है से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और जो है सारे पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए, आप सबमिट कर दें। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, तो सबसे पहले आपको आना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर, वहाँ पे होम पेज है, और वहाँ पर जो है से अप्लाई ऑनलाइन पे जो है से क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके जो है BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो है इस पर जाकर इसको ओके करना है, यहाँ पर आपका खुल जाएगा। तो जब ये खुले तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है मांगेगा कि रजिस्ट्रेशन जो है आप अपना करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है 69th BPSC का जो है ये विंडो खुल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन वाला। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको भरने के लिए। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या मांग रहा है वो जो है आप अपने साथ रखिएगा, ताकि फॉर्म भरने के टाइम जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला जो है जैसे क्या क्या चाहिए, तो फोटो अपलोड, सिग्नेचर वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम, ताकि जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपका अच्छे से हो सके, और उस वक्त जो है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो, और जो है वेब कैम भी आपको चाहिए होगा लाइव फ़ोटो के लिए, इस बार जो है वेब कैम भी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो हम लोग, तो अप्लाई इस पे जाएंगे ऑनलाइन पे, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये विंडो खुल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, OTR है, और ये UPSC की तरफ कर दिया है, वन टाइम ही होगा। और यहाँ पर जो है सही यहाँ पर दे दिया गया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर TRE, क्लिक हियर टू कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो TRE टीचर रिक्वायरमेंट जो फॉर्म भरे हैं, उन्होंने OTR जो भरा होगा, तो अगर उन लोगों का जो भरा हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करें रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको जो है ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भरा है तो उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नाम डालिएगा, पहला नाम जो भी आपका, तो उसके बाद जो है से इंटर मिडिल नेम और इंटर लास्ट नेम जो है आप अपना डाल दीजिएगा। तो नाम का तो सबको पता ही होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद फादर्स नेम डालिएगा, फादर्स नेम आपका जो भी है। फिर हस्बैंड नेम, जो भी आप मैरिड हैं लेडीज, तो वो अपना हस्बैंड का नाम इसमें डालेंगी। और उसके बाद जो है से मदर्स नेम जो है से अपने माँ का नाम आपको डालना है। तो यहाँ तक जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो है से मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या क्या है वो भी आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर जेंडर है। उसके बाद जो है मेन चीज़ आता है, अब जो है यहाँ से शुरू जो है आपका असल फॉर्म हो रहा है। तो ID, किस तरह का ID डालिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। पैन कार्ड नंबर अगर डालिएगा तो इफ़ यू चूज़ पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। तो ₹200 जो है एडिशनल आपको लगेगा अगर आप आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड डालते हैं। सेम जो है ड्राइविंग लाइसेंस में भी उतना ही लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप आधार कार्ड आपके पास होगा ही, आधार कार्ड नंबर डालें। यहाँ पर 12 डिजिट जो है आधार कार्ड नंबर डालिएगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है उसको PDF फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा, आधार का जो है स्कैन कॉपी। उसके बाद जब नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे RU सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक है, तो यस कीजिएगा आप। और उसके बाद RU परमानेंट रेजिडेंस और ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के जो है परमानेंट ओरिजिन नेटिव हैं, तो वहाँ के निवासी हैं। तो अगर नहीं है, दूसरे स्टेट से हैं, तो नो कर दीजिएगा। अगर हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो आपको ये जो है से खुल जाएगा इंटर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल, मतलब आवासीय का जो है से डिटेल आपको भरना होगा। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपका आवासीय का वो आप डालिएगा। और इशू डेट, किस डेट को जो है आपने ये इशू करवाया था, बनवाया था, तो उसको जो है से इशू डेट उसमें दिया होगा उसको डाल दीजिएगा। और जो है से परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस का जो है से आपको रेजिडेंस PDF जो है वो आप भी अपलोड कर दीजिएगा। PDF कॉपी जो स्कैन कॉपी होगा उसको अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन का है, आरक्षण के बारे में है, तो आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो यहाँ पे अगर नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा, अगर करते हैं तो यस कीजिएगा। जैसे आप यस करेंगे तो पूछेगा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, SC, ST, EPC या BC। तो अगर आप मान लीजिए किसी EWS पे मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको मांगेगा।
कास्ट नेम सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले कास्ट नेम आप डालिएगा, कौन सा कास्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी कास्ट से हो, जो भी कास्ट से हो, कास्ट हो खत्री और पैठान और राजपूत हो, जो भी कास्ट है आप अपना सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, EWS सर्टिफिकेट नंबर होगा वो डाल दीजिएगा, और उस EWS का जो है डेट जो है सर्टिफिकेट का वो कब का इशू का डेट है वो डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट जो आपको कहाँ से इशू किया गया है, बिहार से किया गया है या बिहार के अदर बिहार से बाहर किसी अदर स्टेट से इशू किया गया, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट का PDF जो है आप अपलोड कर दीजिएगा, जो स्कैन कॉपी आपके पास होगी पहले से स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आइएगा, तो आर यू अस ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, तो क्या आप जो है स्वतंत्रता सेनानी के जो है पोते पोती हैं, तो अगर वो हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसमें भी जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, स्वतंत्र फाइटर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट डिटेल्स और इशू डेट और उसका अपलोड कॉपी जो है आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा स्कैंड कॉपी। उसी तरह से यहाँ पे पूछेगा कि आप किसी तरह का आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटी, आप किसी तरह के डिजेबिलिटी से जो है से संबंध रखते हैं, आप में कोई डिजेबिलिटी है किसी तरह का जो है से, तो वो जो है से आप यहाँ पर जो है नो अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पर अगर यस करते हैं तो BPSC में द्वारा दिवंगत को पुनः परीक्षण करवा सकता है। अगर आप डालिएगा तो उसका पूरा जो है परीक्षण होगा कि आप जो है डाले हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। और यहाँ पर जब डालिएगा तो यहाँ पे जो है आपको दिया गया कि जो भी डिजेबिलिटी आपको 40% से ज़्यादा डिजेबिलिटी होनी चाहिए तभी वो मान्य होगा, उससे कम है तो उसको मान्य नहीं होगा। आप किसी तरह विजुअली डिजेबल्ड हैं मतलब देखने में आपको परेशानी है, हियरिंग डिजेबल्ड हैं सुनने में, ऑर्थोपेडिकली मतलब जो है बोन से संबंधित जो है लिम्स से संबंधित, या मेंटली या मल्टीपल डिजेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और इशू डेट डालिएगा और उसके बाद जो है से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का विवरण जहाँ से आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिला है उसके बारे में आप डालिएगा, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा उसका पटना PMCH या DMCH जहाँ का भी हो, और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, डू यू वांट टू पे कॉन्सेशन फी एज पर, तो आप जो है अगर किसी से बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से तो कॉन्सेशन फीस यस नो कीजिएगा, अगर नहीं जनरल से बिलोंग करते हैं तो नो कर दीजिएगा। आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप सर्विस मैन हैं रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स किसी से सर्विस मैन से रिटायर्ड हैं तो अगर नहीं है तो नो, और हैं तो यस कीजिएगा। यस जैसे कीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट नंबर ऐसी तरह से मांगेगा, आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट होगा और उसका इशू डेट और उसका जो स्कैंड कॉपी आप उसको अपलोड कीजिएगा। उसी तरह से अगर NCC कैडेट से बिलोंग करते हैं तो NCC कैडेट से नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा, अगर करते हैं तो यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और इशू डेट जो है उसी तरह से सेम जो है स्कैंड कॉपी आपको अपडेट करना होगा। तो ये जो है डिटेल्ड यहाँ पे है। आर यू बिहार गवर्नमेंट इम्प्लाई, तो बिहार गवर्नमेंट के इम्प्लाई है, नहीं है तो नहीं कीजिएगा, अगर यस है तो यस कीजिएगा। और जो इसमें पूछेगा आपका डेजिग्नेशन क्या, आपका पोस्ट क्या, पद क्या है, ऑफिस कौन से ऑफिस में आप काम करते हैं और वो ऑफिस कहाँ है, तो ये सारी चीज़ इसमें डालना अगर आप बिहार गवर्नमेंट के इम्प्लाई हैं। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपका कैमा है, क्योंकि ये जो है बिहार गवर्नमेंट के इम्प्लाई को सिर्फ 5 अटैम्प्ट आप दिया जाएगा, तो उसमें से ये आपका कैमा अटैम्प्ट है वो भी आप मेंशन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो है इनमें से कौन है। उसके बाद जो है इंप्लायमेंट डिटेल आप डालेंगे, NOC ज्वाइनिंग लेटर का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे और उसका स्कैंड कॉपी जो है वो आप अपलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो एड्रेस ऑफ रेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ भी हैं उस तरह का एड्रेस, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, विलेज पोस्ट जो भी आप टाउन वगैरह में है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड स्टेट वगैरह, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। परमानेंट एड्रेस, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो अगर अलग है तो यहाँ पे जो है अलग से आप परमानेंट एड्रेस और जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, फॉर डिटेल प्लीज रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली। तो यहाँ पर जो है आप जो ये रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए, इस फॉर्म के लिए, इस BPSC 69 BPSC के लिए और भी इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन जो है उसको फुलफिल आप करते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करते हैं कि अगर नहीं करते हैं तो आप जो यहाँ पर नो करेंगे, तो अगर यस करते हैं तो यस करेंगे, अगर नो करेंगे तो यहाँ पे है तो यू आर नॉट एलिजिबल लिख देगा और कैन नॉट प्रोसीड फर्दर कर देगा, तो आप फर्दर जो है प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है यस करेंगे जो भी फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको, ईमेल वेरिफिकेशन डालना है,
ईमेल के साथ एक कन्फर्म ईमेल जो है, अब ईमेल आईडी डालिएगा पहले यहाँ पर जो है, कन्फर्म ईमेल कीजिएगा, वेरीफाई यहाँ पर आपको वेरीफाई के लिए आएगा, तो वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा आपको ईमेल आईडी पर, वहाँ से जो है आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसी तरह से मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर पर भी आपको गेट मोबाइल ओटीपी ओटीपी आएगा मोबाइल पर, वहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद इंटर कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड जैसे डालिएगा तो आपका जो हो जाएगा, पहले एक बार फिर थ्रोली चेक कर लीजिएगा कि आपने सब कुछ सही सही भरा है कि नहीं। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कीजिएगा तो आप यहाँ पे ओके ऐसे है अभी मैंने भरा नहीं है, तो वो जो है आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद यूजर आई डी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, और वो क्रेडेंशियल जो है यूजर आई डी पासवर्ड उसको जो है आप जो है फिर से यहाँ जाकर जो है लॉग इन कर लेंगे, लॉगिन कीजिएगा यहाँ से, और उसके बाद जो है आप जो है दोबारा शुरू कीजिएगा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों कैसे जो है आप आगे कीजिएगा। तो दोस्तों तो आगे जो है इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए आगे जो है से, तो आप जैसे क्लिक ये करेंगे वहां से तो ये जो है आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा, और आपको जो है यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो यूजर आई रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जो है आप वहां पर जो है से बीपीएससी के जो है से मेन इस पर जाएंगे पेज पर, और वहां से जो है से यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जो है आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको इस तरह का जो है से फॉर्म आ जाएगा, इस तरह का जो है से कैंडिडेट नेम वगैरह फादर नेम सब कुछ आ जाएगा, और आप जो है से उसको जो है से फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो है यहाँ पर जो है उसको एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव नॉट फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म उस पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है सारा जो है आपका पूरा डिटेल्ड जो है जो भी भरे हुए हैं वो पहले आ जाएगा, और उसके बाद जो है से इस तरह से जो है आपको पूरा ये डिटेल्ड आ जाएगा इसमें, और फिर यहाँ पर जो है ये सारा डिटेल आने के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट कीजिएगा, या पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा नेक्स्ट कीजिएगा। तो उसके बाद जो है से आपको जो है से यहाँ पर जो है से किस पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं, यहाँ पे 69th बीपीएससी सीडीपीओ डीएसपी आईटी ऑपरेशनल और एफएओ, तो ये सारे पोस्ट का दिया गया है यहाँ पर सर पोस्ट के बारे में डाल दीजिएगा। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का जो है जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, उसके बाद किस सेशन में आपने पास किया मैट्रिक, कौन सा सेशन था, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, किस संस्था से इंस्टीट्यूट से पास किया है, कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था बिहार बोर्ड था, कितना मार्क्स जो है आपको प्राप्त हुआ है, फुल मार्क्स जो है कितना था उसमें, और जो है परसेंटेज कितना था। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही कीजिएगा, कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, और उसके बाद जो है से उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी भर दीजिएगा किस बोर्ड से आपने पास किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर डिटेल जो है सर्टिफिकेट नंबर और जो है इशू डेट डालिएगा, और इसी तरह से जो है आपको ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट डिटेल भी डालना होगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल और उसके बाद जो है इसी तरह से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। और फिर जो है आगे जब बढ़िएगा तो प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल इसमें मांगेगा, तो वो जो है से आप लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर आप थे तो वो डालिएगा, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद है कि कभी आप जो है मिसकंडक्ट किए हैं जिसकी वजह से एक्सपेल्ड हुए हैं, इनिजिबल डिक्लेयर्ड हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हाँ या ना में इसमें दे दीजिएगा। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्टे, कहाँ जो है से तीन छः महीने के अंदर, छः महीने में जो है आपने कहीं जो है छः महीने से ज़्यादा जो है तीन साल में कहाँ स्टे किया है, तो वो जो है आपको स्टे का जो है तीनों का देना है कि कहाँ कहाँ आपने स्टे किया है। उसके बाद जो है से प्लेस ऑफ स्टे देने के बाद जो है से आप यहाँ पर अपना हाइट और जो है से चेस्ट का जो है दे दीजिएगा, क्योंकि ये डीएसपी रैंक के लिए जो है ज़रूरी होता है, तो ये आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है से यहाँ पर जो है से बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो भी आपका बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो वो आप डाल दीजिएगा, और यहाँ पर उसी तरह से जो है से क्लिक टू कैप्चर इमेज कीजिएगा। क्लिक टू कैप्चर ये वेब कैम से आपका क्लिक होगा लाइव फोटो, और जो है से एक फोटो अपलोड करना होगा, और ये सिग्नेचर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड कर दीजिएगा। ये जो है आपका पूरा हो जाएगा जब, तो यहाँ पर जो है डिक्लेयर फॉर्म को डिक्लेरेशन कर देना है कि मैंने ये रीड कर लिया है और ये जो है सब कुछ सही है। उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है, प्रीव्यू पे जल्द जाकर और सब कुछ चेक करके जो है सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा आप, तो वो जो है आपको पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा, पेमेंट करके जो है आपका ऑपरेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है 69th बीपीएससी का, किस तरह से आप भरेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।